हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 रोम में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है किंग्स इलेवन क्रिकेट क्लब और यहाँ पर कैंट लंका क्रिकेट क्लब के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम्स ने दो दो मुकाबले खेले हैं और दोनों टीम्स अपने दोनों मुकाबले हारी है। तो यहाँ पर जो लूजिंग स्ट्रीक है किसी एक टीम की आज यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भैया KCC की टीम जीत जाएगी, यहाँ पर किंग्स इलेवन क्रिकेट क्लब की टीम जीत जाएगी, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है एज़ कम्पेयर टू कैंट लंका। कैंट लंका के बॉलर्स की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही है जितनी बढ़िया किंग्स इलेवन क्रिकेट क्लब के बॉलिंग की रही है। यहाँ पर अभी तक दोनों टीम्स ने कोई भी मुकाबला नहीं जीता है। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे कौन सी टीम ने कौन से प्लेयर बढ़िया हैं, कौन सी टीम ने कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कौन सी टीम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कौन से प्लेयर हमें ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं कौन से नहीं, वो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम पिछली परफॉर्मेंसेस देख लेंगे, टेम्परेचर क्या रहेगा, वेदर रिपोर्ट क्या रहने वाली है, वो सारी डिटेल डिस्कस करने के बाद हम टीम की बात डिस्कस कर लेंगे। आपको अपडेटेड टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई भी चांस नहीं है रेन के। 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे पास टेम्परेचर रहने वाला है। प्लस 7 में पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग के लिए बढ़िया पिच है, पर अगर बॉलर्स जो हैं राइट एरियाज हिट करते हैं तभी बॉलर्स को यहाँ पर सक्सेस मिल रही है, नहीं तो नहीं मिल रही है। तो ये देखने वाली चीज़ है कि भैया बिना टेक्निक या वैसे वाले बॉलर्स अगर हैं तो उन्हें विकेट नहीं मिल रही है। अगर किसी के पास पोटेंशियल है इन्हें विकेट मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, विकास कुमार पहले मुकाबले में बहुत नीचे आया था, 5वें 6वें नंबर पर आया था, पर इस मुकाबले में ओपन करवाया गया। उसके बाद सर्वजीत सिंह यहाँ पर इससे भी ओपन करवाया गया, 8 रन और 10 रन इसने हमारे एक विकेट भी चटकाई। उसके बाद समरनजीत सिंह हमारे पास है 21 रन और 31 रन, फिर उसके बाद जगमीत सिंह 3 रन और 2 रन, फिर उसके बाद जयपाल सिंह 16 रन और 36 रन, फिर उसके बाद जसविंदर सिंह 7 रन और 8 रन के साथ 2 विकेट, जसपाल राम 9 रन, फिर उसके बाद जहजीत सिंह हमारे पास है 9 रन इसने मारे हैं पहले मुकाबले में, ये रन हमारे से दूसरे मुकाबले में इनकी बैटिंग ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नोमन अली दोनों मुकाबले में 1-1 विकेट, फिर उसके बाद अतीक ने दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट चटकाई है, अब्दुल कसीफ ने 1 विकेट चटकाई है दूसरे मुकाबले में। यहाँ पर अगर आप देखो भैया दोनों जो मैचेस उन्होंने खेले ये हार कर आ रहे हैं, पर इनकी परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लगी है एज़ कम्पेयर टू कैंट लंका CC की टीम से। यहाँ पर अगर आप देखो भैया अतीक दोनों मैचेस में 2-2 ओवर इसने करवाए और यहाँ पर दोनों मैचेस में 1-1 विकेट इसने झटकाई। अब्दुल की अगर मैं बात करूँ पहले मुकाबले में 1 ओवर, दूसरे मुकाबले में भी 1 ओवर, पर दूसरे मुकाबले में 1 विकेट झटकाई है इसने। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नोमन अली आपके पास है पहले मुकाबले में 1 ओवर, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर, दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट, फिर उसके बाद सरबजीत सिंह पहले मुकाबले में 1 ओवर, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर करवाए हैं और 1 विकेट झटकाई है। उसके बाद जगमीत सिंह आपके पास है पहले मुकाबले में बॉलिंग करवाई, दूसरे मुकाबले में नहीं करवाई। उसके बाद यहाँ पर जयपाल सिंह है जिसने पहले मुकाबले में बॉलिंग करवाई दूसरे में नहीं, जसविंदर सिंह ऐसा प्लेयर जिसने पिछले मुकाबले में बॉलिंग करवाई और विकेट चटका के गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जसविंदर सिंह आज बॉलिंग करवाएगा और आपके लिए जो है स्मॉल लीग मैं तो नहीं पर ग्रैंड लीग में आप इसे कप्तान रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर नीचे आप देखो तो भैया स्टैट देख सकते हो इनके प्लेयर्स के, अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो आपको स्टैट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं KLCC की तो दोनों मुकाबले ये भी हार कर आ रहे हैं अपने, इनकी भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनकी बॉलिंग मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी। यहाँ पर अगर आप देखो भैया बॉलिंग में पहले मुकाबले में तो 1-1 विकेट ही चटकाई थी इन्होंने, और वो भी चटकाई थी एम सुदर्शना ने 1 विकेट चटकाई, और उसके बाद डी मध्यान ने 1 विकेट चटकाई थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया डी मध्यान आपको दिख जाएगा, ये रहा जिसने 1 विकेट चटकाई, यहाँ पर हैश लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो 1 विकेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी हम 1 विकेट लिख देते हैं जिससे आप देख सको कि कौन से प्लेयर ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन से प्लेयर ने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अब यहाँ पर ये पूरी अपडेट हो गई है लिस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सुदर्शना है दोनों मैचेस में बढ़िया परफॉर्म करा, 20+ रन मारे और प्लस विकेट भी चटकाई है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है कनागेश्वरम है 27 रन इसने पहले मुकाबले में मारे, दूसरे मुकाबले में 10 रन के साथ 1 विकेट, फिर उसके बाद कोलंबो हमारे पास है 1 रन और 15 रन, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास परेरा है 2 रन इसने मारे, फिर उसके बाद बसीता हमारे पास है 21 रन के साथ 5 रन, फिर उसके बाद हमारे पास शेहान है, शेहान कलू सूर्या जो हमारे पास हैं ये प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। ग्रैंड लीग में हो सकता है ग्रैंड लीग में हम इसे ट्राई करें, स्मॉल लीग में तो मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ।
उसके बाद धनुष्का हमारे पास है 11 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दिसावे हैं, 1 विकेट पहले मुकाबले में चटकाई, दूसरे मुकाबले में 1 रन। फिर उसके बाद चमोड हमारे पास हैं 4 रन और 3 रन। फिर उसके बाद डी सिल्वा हमारे पास है 3 रन और 1 विकेट। फिर उसके बाद रमेश लकमल हमारे पास है 5 रन, इसने मारे हैं दूसरे मुकाबले में। यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखना चाहो ज़्यादा बढ़िया तो रही नहीं है। यहाँ पर कोलंबो ने दोनों मैचेस में 3 ओवर टोटल करवाए और 1 भी विकेट नहीं चटकाई, और यहाँ पर इकनॉमी आप देख सकते हो कितनी बेकार रही है। पर तब भी मैंने रिस्क लिया है इसके साथ, क्योंकि आपको बॉलिंग भी करवा के दे रहा है और ऊपर बैटिंग भी करके आ रहा है। फिर उसके बाद हांडी हमारे पास है, यहाँ पर 2 ओवर पहले मुकाबले में करवाए, 2 ही ओवर दूसरे मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट इसने चटकाई है। फिर उसके बाद मुरुगिया हमारे पास है, एक ओवर इसने पहले मुकाबले में करे हैं, और उसके बाद दूसरे मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो 1 ही ओवर कर रहा है दोनों मुकाबले में, 1-1 ओवर। मुथमुला की अगर मैं बात करूं, एक पहले मुकाबले में 1 ओवर और दूसरे मुकाबले में यहाँ पर 2 ओवर करे हैं और 3 विकेट इसने चटकाई हैं। उसके बाद दिसावे हमारे पास हैं, पहले मुकाबले में 1 ओवर करवाया और दूसरे मुकाबले में अगर आप देखो तो भैया 2 ओवर इसने कंप्लीट करवाए हैं। रमेश लकमल 1 ओवर पहले में और दूसरे 2 बॉल्स पहले मुकाबले में और दूसरे मुकाबले में पूरा का पूरा 1 ओवर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। पर इनकी बॉलिंग इतनी बढ़िया नहीं है। कैंट लंका के अगर आप प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करो तो ये रहे सारे के सारे स्टैट्स जो मुझे मिले थे, सारे के सारे आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आप सारे के सारे स्टैट्स देख सकते हो जितने प्लेयर्स के मिले थे। तो यहाँ पर अभी जो हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं, टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अब तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एस सिंह एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो भैया टी कुद्रा को भी कर सकते हो अगर पिक करना चाहो। जे सिंह आपके पास है, ये आपके पास जे सिंह बहुत सारे हैं। ये जगजीत सिंह है जिसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। उसके बाद आगे आ जाओ भैया, हमारे पास जो बैटिंग सेक्शन में जो प्लेयर हैं, एस सिंह आपके पास बढ़िया है, एम काना आपके पास एक ठीक ठाक ऑप्शन है, एम सुदर्शना आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसने बॉलिंग भी करवाई है, बैटिंग भी करवाई है, और दोनों में इसने मतलब दोनों मैचेस में 20+ रन के साथ 1-1 विकेट तो कम से कम चटकाई है। जे सिंह यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करो डी मुदी की, तो ये प्लेयर आप जो है ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, प्लस साथ में वी कुमार आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। जैसे इसे पिछले मुकाबले में ओपन करवाया गया, हो सकता है ओपन करके ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर जाए। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एस कुरू को जो है आप इसने जो 12 पॉइंट करे हैं वो दोनों मुकाबलों में इसने जो है 0-0 पर गया है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि इसने जो ये पॉइंट्स लिए हैं वो कैचिंग के पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जे सिंह आपके पास और यहाँ पर भी महिंदू आपके पास हैं, दोनों प्लेयर बढ़िया हैं। जसपाल राम अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो अपनी टीम में। पी परेरा आपके पास है, पी परेरा अगर आप ट्राई करना चाहो। फिर उसके बाद जे सिंह है, ये तीनों के तीनों प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहने वाले हैं। नीचे वाले प्लेयर के ऊपर तो मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, शायद ये कुछ करेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नोमन अली आपके पास हैं, ये तबरेज़ आपके पास हैं, एच डी सिल्वा हैं और सी महापरेरा हैं। सी महापरेरा मैंने इसीलिए रखे हुए हैं इस टीम में, ये वैसे मेरी स्मॉल लीग की टीम है इसीलिए मैंने रखा हुआ है सी महापरेरा, क्योंकि ये आपको बैटिंग भी करके दे रहा है प्लस बॉलिंग भी करके दे रहा है। तो हो सकता है अगर एक आधी विकेट चटका जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। एक असीफ हमारे पास है, एक असीफ अगर आप ट्राई करना चाहो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में नहीं। आर रकमल आपके पास है, दोनों मुकाबलों में इस प्लेयर ने बॉलिंग करवाई है पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अगर आप चाहो तो इस प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं टीम की बात करूँ, सबसे पहली टीम कप्तान जो मैंने रखा है वह एम सुदर्शना रखा हुआ है। वाइस कप्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एस सिंह रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख कर चलना, ये 2 एस सिंह है और दोनों एस सिंह में ये वाला सिंह आपको बॉलिंग भी करवा के दे देगा, ये वाला एस सिंह आपको बॉलिंग नहीं मतलब बॉलिंग करवा सकता है, कम चांसेस हैं कि बॉलिंग कंप्लीट करवाएगा आपकी। अब उसके बाद जे सिंह हमारे पास हैं, फिर उसके बाद एम काना हमारे पास है, एम सुदर्शना एज अ कैप्टन रखे हैं, एस सिंह है, जे सिंह है, फिर उसके बाद पी परेरा हैं, एन अली हैं, तबरेज़ हैं, सीमा हैं, फिर उसके बाद एच डी सिल्वा हैं। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है, हेड टू हेड में आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग में भी अगर आप ट्राई करना चाहो पर स्मॉल लीग में लेकर जाओगे बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, हमारे लिए ये जो टीम है ग्रैंड लीग की टीम है, जे सिंह एज अ कैप्टन रखे हैं, वाइस कप्तान यहाँ पर बी महिंदू रखे हुए हैं, जे सिंह हैं, डी तिरकुद्रा हैं, फिर उसके बाद वी कुमार, जे सिंह, फिर उसके बाद एस कुरु, एम सुदर्शना, फिर उसके बाद एन अली, ए तबरेज और सी महा, पूरी की पूरी टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है, ग्रैंड लीग में आपको बढ़िया परफॉर्म करती हुई देगी। और यहाँ पर तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कप्तान वाइस कप्तान यहाँ पर बदले हैं मैंने सी सुदर्शना और एस सिंह। ये टीम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।